दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने YouTube चैनल रजा इंटीरियर में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आपको दोस्तों ये कपबोर्ड दिखा रहा हूँ, दोस्तों ये स्लाइडिंग अलमारी जो है वो बनाई हुई है, और दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ किस किस तरीके से हमने ये जो डिज़ाइन की है, तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा लीजिए आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये हमारा ड्रेसिंग का एरिया है, और यहाँ पर हमारा अभी जो है वो शीशा आना बाकी है, तो यहाँ पर हमारा जो मिरर है वो लगाया जाएगा, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी थोड़ा वर्क जो है वो इनकम्प्लीट है। नीचे आपको दो ड्रॉर जो है वो दी गई हैं, यहाँ पर ये ड्रेसिंग के लिए जो है वो दी गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रेसिंग का जो भी आपका सामान होता है तो वो यहाँ पर उसको रखने के लिए ये दो ड्रॉर जो है यहाँ पर दी गई हैं। और इनमें जो दोस्तों हैंडल इस्तेमाल किए गए हैं वो स्टील के हैंडल इस्तेमाल किए गए हैं, और अंदर की तरफ की जो माइका है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त माइका का जो है वो यूज़ किया गया है, और पूरी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में आप वर्क को जो है वो देख सकते हैं किस तरीके से वर्क जो है वो किया गया है। और बाहर वाली जो माइका है दोस्तों ये वुडन शेड में हमारी लगाई गई है, और काफ़ी ज़बरदस्त ग्लॉसी टाइप जो माइका है वो लगाई गई है, बहुत ही अच्छी माइका यहाँ पर यूज़ जो है की गई है, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त माइका का हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों स्लाइडिंग एरिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ड्रॉर है आपको कुछ इस तरीके से स्लाइड होगा, और इसमें हमने दो बॉक्सेस जो है वो दोस्तों दिए हैं 24-24 इंच के, हमने यहाँ पर दो बॉक्सेस जो है वो दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों बॉक्सेस वो यहाँ पर बिल्कुल आप क्लोजली मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दो बॉक्स हमने दिए हैं 24-24 इंच के, और नीचे वाला आप एक देख सकते हैं ये हमारा बड़ा बॉक्स जो है वो आ जाता है, दो बॉक्स हमारे नीचे बड़े आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप अपने बड़े कपड़े जो है वो रख सकते हैं, गर्मी सर्दी के जो भी कपड़े हैं आपके यहाँ पर आप बिल्कुल जो है वो रख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको तीन बॉक्सेस जो है वो छोटे छोटे बॉक्सेस जो वो दिए गए हैं, यहाँ पर आप अपने जो अपने डेली यूज़ के जो कपड़े होते हैं तो वो यहाँ पर आप इनको प्रेस कर करके जो है वो रख सकते हैं, ये देख सकते हैं उसके लिए हमने तीन यहाँ पर बॉक्सेस जो है वो दिए हैं। अब इस डोर को हम क्लोज जो है वो कर देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट दूसरे डोर का जो हमारा एरिया आता है तो उसमें हमने किस किस यूज़ के लिए वो दिया है वो मैं आपको यहाँ पर अभी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा हैंगिंग एरिया है, यानी यहाँ पर आप अपनी जो ये रोड अभी देख रहे हैं ये हैंगिंग है, या यहाँ पर आप अपने जो कपड़े हैं बड़े कपड़े यानी जो आपके कोट्स वगैरह होते हैं या लेडीज़ के जो कपड़े होते हैं वो यहाँ पर आप अपने हैंग जो कर सकते हैं, तो उसके लिए जो स्पेस है वो काफ़ी बड़ा स्पेस जो दिया गया है, लगभग से यहाँ पर जो इस पूरा स्पेस दिया गया है दोस्तों ये हमारा 50 इंच का यहाँ पर स्पेस जो दिया गया है, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये आपकी एडजस्टेबल है दोस्तों, इसको आप अपना निकाल भी सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसको आप अंदर की तरफ जो है वो डाल सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ये बॉक्स जो है दिया गया है। नीचे वाला जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसमें आप अपने बड़े जो आपके कपड़े होते हैं रजाई वगैरह तो वो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से रख सकते हैं, या कोई और भी आपके कपड़े होते हैं तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। नीचे आप जो चैनल देख रहे हैं दोस्तों स्लाइडिंग चैनल, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा जो हमने इस्तेमाल किया है, कुछ इस तरीके से ये पूरा जो पल्ला है हमारा कुछ इस तरीके से स्लाइड होता है, और कितना स्मूद तरीके से ये जो स्लाइड हो रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहीं पर भी आपको कोई भी थोड़ा भी आपको लैग जो है वो नहीं दिखेगा, बिल्कुल स्मूथली जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। तो दोस्तों फिनिशिंग के साथ में जो पूरा वर्क है वो किया गया है, और यहाँ पर ये जो हैंडल आप देख रहे हैं स्लाइडिंग जो डोर में आप हैंडल देख रहे हैं वो यहाँ पर ये यूज़ किए गए हैं हमारे दोनों डोर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसी तरीके से ये हमारा नीचे का जो पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लोज में आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर की तरफ हमने यहाँ पर ये जो दोस्तों पल्ले दिए हैं इनके अंदर का जो एरिया है दोस्तों पूरा एरिया हमारा पूरा ये खाली है यहाँ से, और इसमें आप अपने जो बड़े रजाई गद्दे हैं वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। अंदर की तरफ आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्पेस जो है वो मिल जाता है। अब इसकी सिमेट्री देने के लिए हमने यहाँ पर अलग अलग डोर जो है वो यूज़ किए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं इनको आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल क्लोजली, जो भी डोर यूज दोस्तों इस्तेमाल किया गया है तो उसको बंद करने के लिए दोस्तों यहाँ पर कैचर का जो है इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर आप बिल्कुल क्लोजली देख सकते हैं कैचर जो है लगाया गया है। जब आप जो डोर है आपका बंद करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये कैचर जो है वो कैच करता है, और आपका जो पल्ला है वो बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो कुछ इस तरीके से ये इस्तेमाल किए गए हैं। और सभी में हैंडल जो इस्तेमाल किए हैं हमने स्टील के हैंडल यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। बाकी आगे की तरफ आप देख सकते हैं ये भी हमारा जो डोर है वो दो डोर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं,
यानी आप जिस मर्जी चाहे कि जिस तरफ से भी चाहे आप उस तरफ से कपड़े अपने जो है वो रख सकते हैं। बीच वाले एरिया से चाहते हैं तो बीच वाले एरिया से रख सकते हैं, या आप साइड से भी जो है वो रख सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट जो है वो उसको कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपके दो डोर यहाँ पर दिए गए हैं और लास्ट में दो डोर आपको यहाँ पर इस तरीके से कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं जो कि हमने यहाँ पर दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दो डोर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ऊपर की तरफ हमने टोटली यहाँ पर तीन पार्टीशन जो है वो दिए हैं, तो तीन तरीके से हमने इसको बनाया हुआ है। तो ये था पूरा दोस्तों हमारी अलमारी का डिज़ाइन, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा अलमारी का डिज़ाइन है। और दोस्तों आपको हमारा वर्क जो है वो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमसे वर्क कराना चाहते हैं दोस्तों तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप हमें कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं। किचन का बोर्ड मतलब या वुडन का कोई भी वर्क कराने के लिए आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं। और प्राइस के बारे में दोस्तों आप जानने के लिए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर आप हमें डायरेक्टली मैसेज करें तो प्राइस की पूरी डिटेल जो है आपको दी जाएगी।